ये दौर दौर करके। फिर मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? आपने फरमाया अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ सिना करना, है ना, वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये बुराई और दो चंद हो जाती है जब आदमी अपने पड़ोसी की बीवी के ऊपर बुरी नजर डाले और उसके साथ बात करे। इस हदीस पाक से यह साबित हुआ कि सबसे बड़ा गुनाह हजरत अब्दुल्लाह ने मसूद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि लस्त मुशरिक। जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि सबसे बड़े गुनाह को करे। यह कुरान हकीम की आयत से साबित हुआ और हदीस से साबित हुआ। क्यों क्यों नहीं जाएगा? ये इसका जवाब है कैसे कैसे नहीं जाएगा? अब हाउ गए दलील दलील यह दूसरे का वान बर्रादिन कातिबी मुखीरत अली मुखीरत قال قال صاد بن عباد رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا معي امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه بدعه من الله ومن أجل ذلك بعث الله الجنة رواه البخاري في كتاب التوحيد هذا الإمام البخاري حديث باب وزير له طويل من الآية عجيب بات يه कि पूरी हदीस पढ़ जाएगी इसमें ना तो शिर्क की शीन कहीं है और ना तौहीद की ते। इस पूरी हदीस पाक में कहीं शिर्क का शीन नहीं है और तौहीद की ते भी नहीं और इमाम बुखारी को किताब तौहीद मिला है। तो इस हदीस पाक का जिसके अंदर शिर्क का भी बयान नहीं है ना तौहीद का बयान है, इमाम बुखारी इस हदीस पाक को किताब तौहीद में क्यों ला रहे हैं? वजह क्या है? फुकहा देखे इमाम फुकहा और मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी पहले हदीस पाक का तर्जुमा देखें। हजरत मुगीना फरमाते हैं कि मशहूर सहाबी हजरत सालिह बिन उबाद वो फरमाते हैं देखो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को देख लूं لو رأيت رجلا مع امرأتي اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں کسی آدمی کو دیکھ لوں تو لدرت تو بھی صحیح آئی ویل کل ہیم یا آئی ویل کل بوتھ آف دم اسے ختم کروں گا اور غیر مصف پہی معاف کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوگا سب ہونا گزر کا تو سوال پیدا نہیں ہوگا آئی ویل کل ہیم اس کو میں اپنی تلوار سے مار دوں گا ختم کر دوں گا ایک اور غیر مصف پہی معافی کا تو سوال پیدا نہیں ہوگا دو فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سعد بن عبادہ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے اتعجبون من غیرۃ سعد سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ غیرت طلب سے اتعجبون من غیرۃ سعد سعد کی غیرت پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے تعجب کر رہے ہیں واللہ لانا اغیر منہ میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند اور اسی غیرت کی وجہ سے کہ اللہ بہت غیور ہے غیرت مند ہے اس نے چھپی اور کھلی بے حیائیوں کو حرام کر دیا۔ پوری حدیث دیکھ ڈالنے کے بعد امام بخاری سے کتاب التوحید میں کیوں لائے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھ لوں تو اس کو قتل کر دوں گا، معاف نہیں کروں گا، یہ میری غیرت کا تقاضا ہے۔ امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ایک آدمی اپنی بیوی میں شدت گوارا نہیں کر سکتا اور وہ آدمی قابل گردن زدن یہ معافی کے قابل نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو کیسے شریک کر سکتا ہے جبکہ وہ نبی سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید ملا کر یہی باریک استدلال سمجھ چاہیے۔ What a subtle,
सेकंड डिटेक्शन कितना बारीक और रनिंग स्पीड का था वो, कि एक आदमी अपनी बीवी में जब शिद्दत दबाना नहीं कर सकता और उस शख्स को जो शहीद हो काबिले गर्दन जख्मी समझता है, माफी के काबिल नहीं समझता, एक आम आदमी है गलतमंद हो गया और उससे ज्यादा गैरतमंद सहाबी हो गया, सहाबी से ज्यादा गैरतमंद नबी हो गया, नबी से ज्यादा गैरतमंद अल्लाह तआला हो गया। तो अगर सहाबी ये कहे कि मैं अपनी बीवी के अंदर शिरकत कारण नहीं कर सकता और शिरकत करने वाले को काबिले माफी नहीं समझता, काबिले गर्दन जख्मी नहीं समझता हूं, तो बताइए अल्लाह शरीक करने वाले को बख्शेगा कैसे, उसको छोड़ेगा कैसे। जाहिर है कि मार डालने का मतलब यह कि हमेशा जहन्नम में रहे और बख्शा न जाने का मतलब यह है उसे माफ न किया जाए। खैर मुसाफिर लहू रअइत रजुलन माई मवादी लदरत हु बिसैद गैर मुसाफिर, इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि से बात को किताब तौर पर हुआ है कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द शिर्क की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को रद्द शिर्क की सबसे बड़ी दलील बनाया। बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी को मेराज में बुलाया और कुछ गिफ्ट्स दिए। आइए वो हदीस पढ़ते हैं, वो गिफ्ट्स क्या हदीस वन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु قال लम्मा उसरिया برسول الله صلى الله عليه وسلم كنت هي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة اليها ينده ما يورج به من الارض فيقبض منها واليها ينده ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فقوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه وقوت يا الصلوات الخمسه وقوت يا خواتيم سوره البقره وقوت يا وغفر لمن لا يشرك بالله من امتي شيئا المكرمات इसलिए कि रसूलुल्लाह रूह नहीं होते बल्कि इस कान को देख खाकी और रूह के मजमूए का नाम, बदन और जिस्म के बदन जिस्म और रूह के मजमूए का नाम रसूलुल्लाह, रूह को रसूलुल्लाह नहीं बोलते ना बदन को रसूलुल्लाह बोलते, रसूलुल्लाह बोलते हैं बदन और रूह के मुरक्कब को। रसूलुल्लाह कौन? जिनका एक बदन था और एक रूह थी, तो रूह और बदन के मुरक्कब को रसूलुल्लाह कहा गया। यह लफ्ज़ रसूलुल्लाह बता रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई है, जिस्म और रूह के साथ, सिर्फ रूह के साथ। तो लम्मा उसरिया बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करेगी, कहां तक पहुंचे जा रहे नीचे से पलंगी, कोई साइंसदान अब तक वो सवाल नहीं मार सका है जो इस बुलंदी तक मुझे ले जा सके। ये बुलंदी कहां, ये बुलंदी कहां है जहां तक आपको ले जाया जाता है, जैसे ले जाएगा उन तुहिया भी इला सिद्रति मुंतहा, इंतहा कहां हुई, उन तुहिया भी इला सिद्रति मुंतहा, सिद्रतुल मुंतहा पर आपको ले जाएगा। सवाल पैदा हुआ ये सिद्रतुल मुंतहा है कहां, जवाब दिया गया वही है सवाई सादे सा, ये छठे आसमान पर, छठे आसमान पर है। आप नीचे से जा रहे हैं जिस्म मारूफ के साथ, इंतहा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा कहां है जवाब दिया गया
एक सवाल पैदा हो जाता है, मुंता है मुंता है मुंता का मतलब होता है एंड एंड मुंता प्लस एंड, तो इसे मुंता क्यों कहा गया? उसका जवाब दिया जा रहा है इलैहा युंतहू मा युरजुदी मिनल्ला, यहीं पर नीचे से आने वाली तमाम चीजों का लास्ट स्टॉप है, ये लास्ट स्टॉप है, नीचे से जितनी चीजें जाती हैं उसका लास्ट स्टॉप ही अब ये खुद वहां नहीं जा सकते। आप बोलते अगर आगे जाना हुआ नीचे से जाने वाली चीज को तब वहां से फरिश्ते आएंगे, वहां से लेने वाले फरिश्ते इधर के नहीं होंगे उधर के होंगे, वहां से आने वाले फल मिन्हा ये चीज वहां से ले ली जाती है, कैरियर भी और कैरियर भी दोनों के दोनों को अगर आगे जाना है तो फिर वहां से फरिश्ते ले जाएंगे, ये लोग खुद नहीं जा सकते। लास्ट स्टॉप है और बताया गया नीचे से जाने वाली चीजों का लास्ट स्टेशन ये आपकी स्टॉप है, टर्मिनस है। अच्छा और वही नहीं हा युंतहु मा युहबतु बिहि फौकहा, और ऊपर से जितनी चीजें आती हैं कैरियर और कैरियर दोनों उनका भी उनका ही, ये नीचे नहीं जा सकते जब तक के इनको यहां के लोग यहां के फरिश्ते नीचे न लाए, फलुक पर मिला यहां से इनको ले लिया जाता है। नीचे वालों की इंतहा सिदरतुल मुंतहा, ऊपर वालों की इंतहा भी सिदरतुल मुंतहा, इसी वजह से उसे सिदरतुल मुंतहा कहा गया। ऊपर से आने वालों का भी टर्मिनस और नीचे से जाने वालों का भी टर्मिनस, टर्मिनस मींस इंतहा, मुंतहा मुंतहा ऐन तर्जमा होता है टर्मिनस। अब आगे नहीं चलते, अब आगे आपको जाना है तो वहां वहां से दूसरी गाड़ी जाती है और दूसरे लोग ले जाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाए गए सिदरतुल मुंतहा और कुछ देर के बाद फिर आपको आगे ले जाया गया, अब ऊपर वाले ले जा रहे हो कहां तक गए आप? पास लोग कहते हैं कि आज पर आप चले यहां तक के लब भेदा मारने की क्या जरूरत है, अब जब तक ये नहीं देखे अल्लाह भेटा मार रहा था तो भेटा मारेंगे कैसे, तरीब चाहिए ना अल्लाह भेड़ा वाला था कहा करके अशर कहा करके हदीस वान इब्न शहाब अखबरनी इब्न हसम अन इब्न अब्बास व अबा हब्बत قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روي جبي حتى سهرت لمستر اسمع فيه صريف الاقلام رواه الطبراني في المجمع الكبير حضرت امام الطبراني في حديث الطبراني في المجمع الكبير كما قال ہے حضرت ابن عباس اور ابو حبہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری جب بھی مجھے سدرت المنتہا سے اوپر جب چڑھایا گیا تو مجھے کہاں تک لے جائے گا حتی سہرت لمستوی مستوی اس لیول حتی سہرت لمستوی ایسی جگہ پر مجھے لے جایا گیا اسمع فیہ صریف الاقلام جہاں میرے کانوں میں قلموں کے چلنے کی سرسراہٹ آ رہی تھی اللہ اکبر وَمَنْ حَدَّثَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَمَنْ حَدَّثَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَرَى
नहीं देख सकूं। इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मेराज में अपनी आंखों से अल्लाह को देखा, देखिए अल्लाह है, झूठा है और कस भी दिलाया है और झूठे के ऊपर अल्लाह ही लान। वो आदमी झूठा इसलिए मैं झूठा नहीं दिया, सिद्दीक कायनात कह रही हूं फकत वो झूठा है। और जिसका यह अकीदा हो कि नबी को गलत कह था वो मन है देखा जाए तो सारा मामला रंग नूर का है।
फरिश्तों का नूर घेरे हुए। तस्वीर कीजिए तो बदन में रोंगटे खड़े हो जाए। सिद्रक जो कह दिया बयान की गई कुरान हकीम में और इस हदीस पाक में, ताकि फरिश्तों की क्या कैफियत है। हदीस में बताया गया फराश मिनजा फराशतुन, फराशतुन का मतलब होता है मौत, मौत द ग्रोइंग इंसेक्ट, वो जो जुगनू होता है ना, जुगनू बोलो वो रात में जो चमकता है जुगनू किरण की शक्ता, ये फराशुन मिनजा फराशतुन का मतलब होता है जुगनू। जमा फराश काला फराशुन मिन सहाबिन, सोने के, सोने के यानी सुनहरे रंग के जुगनू, रंग रंग सोने काला फराश तारा नाम है रंग नूर का है कलर सब लाइट्स कि यक्ष सिद्र का मायक्ष, ये तो सिद्र की कैफियत है। और उसके बाद कहा मेरे नबी अब आप जा रहे हैं, आप तीन चीजों में ले रहा हूं ले जाओ पूतिया खाना आतन, तीन चीजें ली। पहली चीज वो पूतिया सलावात खम्स, पांच नमाजें ली गई, पहले 50 अदर मुसा बारका लौटा रहे पांच होती पूतिया सलावात खम्स, पांच नमाजें पांच वक्त। अच्छा दूसरी वो पूतिया खवातीम सूरत बकरा, सूरत बकरा की आखिरी दुआ है। क्यों इसमें कौन सी सी बात है तोहफा के जैसी, मैं बता रहा हूं क्या बात है। एक तो पांच वक्त की नमाज की, दूसरे सूरह बकरा की आखिरी दुआ है वो खवातीम सूरत बकरा, और तीसरा तोहफा अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तोहफा और ले जाओ, तुम्हारी उम्मत में से कोई आदमी अगर शिर्क नहीं करेगा मुझे तो शुक्रिया। हुकूमत करने लायक नहीं, इनकी बजट तुम रात कम लोग मैंने औरत को दिखा दी हुकूमत कर रही। अरे मामले
और फिर कहते चला इन लोगों को क्या हो गया, शैतान ने इनको गुमराह कर दिया है। ये सूरज के बनाने वाले की इबादत तुम्हें कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर एक पहले को सामान दे दी जाए तो पहली तकलीफ जो करेगा वो तौहीद के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। इसका मतलब कायनात का अकीदा तौहीद का शिर्क से कोसो कायनात का दर कायनात को यह किया क्या शिर्क नहीं करना तौहीद या अकीदा है पूरी कायनात ये साबित है। ये सूरह बकरा की आखिरी आयत उलमा ने रास बोल दिया है क्या है आमन रसूल बिमा अनजिल इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिललाहि व रसूलिही व मलाइकातिही व कुल्लुन आमन बिललाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व कालू समीना व अतअना खलास समीना व अतअना। तौहीद तुम्हारी जिंदगी में होना, तौहीद आई कि तुम्हारा रابطہ अल्लाह से और समय का रابطہ है तजस्सुम तुम्हारा ताल्लुक रसूल से। रसूल जो बोले कदम चला समय ना राज खुल गया मेरे राज का राज खुल गया कि समय ना रابطہ ना हमने सुना हमारे बाप की रसूल जो बोले आमन ना बस रखना समय ना रابطہ ये राज खोल दिया गया खवातीम और सूरत बकरा दे गए समय ना हमने सुना होता। और तीसरी चीज पांच वक्त की नमाज क्यों, इसलिए कायनात का सबसे बड़ा अमल नमाज ही प्रेम प्रेम जान बस बस ये
जान के बैठ गए, मतलब जिया जान है मेरे और बहस का वक्त नहीं हुई। पहली, लातुशरिक बिल्लाही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना।
बाद अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, अगर जो वो बोल दे घर से निकल जा सारा माल ये कर। अब भाई हमारा काम तब हो जाएगा हरी का माली ए बात न चले उठ ले आगे और ये माल ये सब मेरा है। गबर भाई हमारा काम तब हो जाएगा हरी का माली माल भी ले और ऐसा के बारे में बोले लेकर गबर क्या दूर हो जाएगा लोगों से। तो बात है मैं बताने की इसलिए फर्क नमाज को जान कुछ नहीं छोड़ना, इसलिए जिस आदमी ने जान कुछ कर फर्क नमाज छोड़ दी अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर छाट दी। उसके बाद अशराब मत पीना, इसलिए हर बुराई की लड़ भाई नमाज को लेकर आई। उसके बाद ये फरमाया गया कि देखो गुनाह नहीं मत करो, इसलिए कि जहां गुनाह होता है अल्लाह पर कर का गलत ना करता है। फैन बिल मासी जहला सखत हमारे ऊपर जो परेशानी आ रही बुनियाद मासी गुनाह के मैदान में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे परेशानियां उतनी ही हमारे पीछे लगी रहेंगी। उसके बाद मैदान में तो भागना नहीं अगर संभर जाए और अगर कहीं मरी फैल जाए कोई बीमारी मुकान मतलब तो मरी कोई बाबा जिससे लोग मरने लगे, अगर मरी फैल जाए कोई भला फैल जाए जिससे लोग मरने लगे तो वहां मौजूद हो तो भागना नहीं जमे रहो। और ये फरमाया गया कि चादर देख कर मैं भला वान फिर अला हया जरिया जितना हो उतना ही खर्च करो अपने अहल वाले को कमा रहे बस रुपया खर्च करना नहीं छूट गया गैर इस्लाम क्या है। और उस बात फरमाया गया वला तरफा अनु असा का अब अदबन अदब देने के लिए अपना डंडा अपना असा कभी भी अपने बच्चों से मत उठाना, हमेशा हाथ में लिए रहना डंडा, डंडे से ताकीद करते रहना उनसे अदब देने के लिए अपने डंडे को मत हटाना, डंडा बराबर हाथ में रहे ताकि बच्चे सीधे रहें। और आखिरी नसीहत दसवीं वाकिफुम बिल्लाह अल्लाह के बारे में इन्हें खौफ दिलाते रहना। आज हम अपने बच्चों को हक गाली देते हैं, डॉक्टर बनाते हैं इंजीनियर बनाते हैं सुबह तैयार करके स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं सारा इल्म देते हैं एक चीज नहीं सिखाते क्या अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत उसके रसूल की मोहब्बत का डर और उसके रसूल का डर ये जरूरी है कि बच्चों की दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उसके रसूल की मोहब्बत और उसके रसूल का आदर सिखाया जाए कि बच्चों अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, अपने रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, रसूल का आदर अपने दिल में रखो। अदब यही तो है कि आपकी आवाज आपकी आवाज ऊंची रहती है कहां कहने को सभी कह रहे हैं कि हमारे दिल में नबी का आदर है, अरे जबान से नबी का आदर जाहिर करने से क्या फायदा, नबी का अदब तो जाहिर होता है अमल से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहें आपकी बात पर कोई बात ऊंची नहीं जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 वसीयतें हजरत मुआविया ने जो है फरमाया सो पहली वसीयत दी है अल्लाह के साथ शिर्क आखिरी चीज जरूरी है। एक होता है हक आपका किसी को होगा और फिर उसका हक आपको। और मैं एक नुक्ता बता दूं कि आज दुनिया में जितने भी फसाद हैं उनकी जड़ यही है हक ना अदा करें। अगर आपका हक किसी के ऊपर है वास्ती चाह करके आप उससे अपना हक ले लेते, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी का हक है तो बस पेश कर हक दे देते। तो हक ना अदा करने की बुनियाद पर ये सारे झगड़े हैं दुनिया में। अगर गौर किया जाए तो सारे झगड़ों और सारे फसाद की बुनियाद यही है कि हम अपना हक दूसरे से तो लेना चाहते हैं मगर हमारे ऊपर जो हक है वो देना नहीं चाहते। तो ऐसे ही एक हक अल्लाह का हमारे ऊपर है और फिर हम वो हक अगर अदा कर ले जाए तो फिर हमारा एक हक अल्लाह के ऊपर हो जाता है। और ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तबारक तआला अपना हक अदा ना करे, ये तो बंदा है जो हुकूक अदा नहीं करता अल्लाह का।
छोटी नस शिर्क का मफहूम नहीं बताया, ठीक है, अल्लाह का वादा